सो गाइस आई एम बैक। और ये देखिए आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन जो कि आईआईटी 1988 में आया है। और एक बार मैं फिर से आपसे बोलूँगा कि बहुत ही आसान है और ऐसा प्रॉब्लम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिए, टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ सी एंड टू सी आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड चार्ज टू पोटेंशियल डिफरेंस वी। The battery is then disconnected and the region between the plates of the capacitor C is completely filled with material of dielectric constant K. The potential difference across the capacitors now becomes. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दो parallel plate capacitor हैं, तो दो हैं parallel plate capacitors और उनको parallel में जोड़ रखा है, ठीक है। एक का capacitance है C और दूसरे का capacitance है 2C और उनको कनेक्ट कर रखा हम लोगों ने बैटरी V से, ठीक है, बहुत अच्छी बात। इसको V पोटेंशियल से जोड़ रखा है। अब आप ध्यान दीजिए, द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड। अब देखिए कि जब बैटरी को डिसकनेक्ट कर देते हैं तो जो चार्ज रहता है वो चार्ज चेंज नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा आप हमेशा। कैपेसिटर एक बार चार्ज हो गया, उसके अंदर चार्ज यहां पर आ गया, ठीक है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ऐसा चार्ज अगर आ गया कैपेसिटर के अंदर, जब तक आप उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे वो खत्म नहीं होने वाला चार्ज, चाहे बैटरी आप लगा के रखिए या बैटरी आप हटा दीजिए। एक बार कंप्लीटली चार्ज हो गया बैटरी लगाने के बाद, तो बैटरी हटा दीजिए, उसका चार्ज वही रहेगा। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आई बात कि नहीं। द बैटरी इज देन डिसकनेक्टेड एंड द रीजन बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर सी। तो ये चार्ज हो गए, तो चलिए चार्ज हो गए तो कितना चार्ज हो गया होगा, तो ये जब बैटरी लगी थी तो ये कितना मैक्सिमम चार्ज हो सकता है। सबसे पहले आप देखिए पैरेलल में है तो इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है वी, और इसके अक्रॉस भी वोल्टेज कितना है वी। आप जानते हैं कि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम। सीरीज में क्या सेम होता है, चार्ज। क्लियर, तो इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज भी, इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज भी, तो चार्ज ऑन कैपेसिटर वन कितना हो जाएगा, आप जानते हैं फॉर्मूला चार्ज का C इनटू V। तो पहले कैपेसिटर का चार्ज हुआ CV और दूसरे कैपेसिटर का चार्ज हुआ 2CV। इसको लिखने में कोई घबराने वाली बात है क्या, बताइए, कोई घबराने वाली बात है, इसको लिख सकते कि नहीं, ठीक। अब मैंने इसको बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, डिस्कनेक्ट हो गया, अब कोई नया पोटेंशियल इनके अक्रॉस आ जाएगा, बिकॉज ये पूछ ही रहे हैं कि द पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द कैपेसिटर नाउ बिकम्स, ठीक है। तो ये मान लीजिए अब इनके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वी डैश हो गया, ठीक है, इसको जीरो मान लिया। ये मान लीजिए अब कुछ, बिकॉज चार्ज रहेगा तो कुछ कैपेसिटेंस है, तो कुछ ना कुछ तो वोल्टेज डिफरेंस रहेगा कि नहीं रहेगा, बिकॉज Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, देखिए अब, एंड द रीजन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर C इज कंप्लीटली फिल्ड विद मटेरियल ऑफ डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट K। अब इसके अंदर एक कुछ तो मटेरियल फिल कर दिया K डायलैक्ट्रिक का। अब क्या आपको नहीं पता है कि कैपेसिटेंस क्या हो जाता है, आपने पढ़ा है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D, जब उसमें कोई मटेरियल ना फिल किया गया हो, अगर आप उसमें डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट K का मटेरियल फिल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, K टाइम्स C हो जाता है कि नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नया कैपेसिटेंस इसका आ गया KC और इसका कितना रहा 2C। अब मान लीजिए इनके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V डैश, तो जो नया चार्ज होगा वो क्या होगा बताइए, K टाइम C इंटू V डैश होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब इसको रब कर देता हूं मैं, काम खत्म, इसका खेल खत्म सारा, ठीक है। और जो अगला है वो तो कैपेसिटेंस कुछ चेंज हुआ नहीं, उसमें तो हमने कुछ डाला नहीं, तो वो उसका भी वोल्टेज V डैश, नया वोल्टेज आ गया ना, अब तो बैटरी नहीं है, अब तो केवल नया वोल्टेज आ गया इनके अक्रॉस, दैट इज V डैश, जिसको हमें निकालना है। अब आप इसको ऐड कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे बताइए, 3CV, इसको बताइए आप KC प्लस 2C इंटू V डैश, तो V डैश इज इक्वल टू C को उड़ा दो, इसने इसको मार दिया, ठीक है, तो क्या बचा 3V अपॉन K प्लस 2,
ठीक, तो v डैश इज इक्वल टू 3v अपॉन k प्लस 2। अब बताइए, दो लाइन लिखनी थी और क्वेश्चन हो गया। कॉन्सेप्ट क्या है कि बैटरी हटाने के बाद जो कैपेसिटर होता है उसका चार्ज कांस्टेंट रहता है। चार्ज वैसे भी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड, ठीक है। तो कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट यूज करके इसमें कंजर्व कराया गया। बताइए क्या डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट बोलिए, था डिफिकल्ट कि नहीं? नहीं था ना, यही आपको रियलाइज करना है। तभी जब आप पेपर देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाजा लगेगा कि इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है पेपर के अंदर जो डिफिकल्ट नहीं है। घबराना नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखिए, आईआईटी 1989 का प्रॉब्लम यहां पर है, ठीक है। अ पॉइंट चार्ज क्यू मूव्स फ्रॉम पॉइंट पी टू एस अलोंग द पीक्यूआरएस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंटिंग पैरेलल टू द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। This is positive x-axis, this is x-axis, this is y-axis and electric field is pointing parallel to the positive x-axis. The coordinates of P, Q, R and S are given here and the work done by the field in the above process is given by the expression. ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। सबसे पहले ये क्वेश्चन को देखिए तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन देखिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंजर्वेटिव है, कंजर्वेटिव नेचर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या नेचर है? कंजर्वेटिव नेचर। कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा होगा आपने, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगती है वो क्या है? कंजर्वेटिव। इसका मतलब ये है कि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होती हैं, जब उनका वर्क डन निकालते हैं हम लोग, तो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। और आप समझ जाइए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है इस बात पे, समझ गए? तो कंजर्वेटिव जो फोर्सेस होती हैं, कंजर्वेटिव जो फील्ड्स होती हैं, उनका जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन आप mgh निकालते हैं, ठीक है, उसमें भी पाथ पे नहीं डिपेंड करता। अगर ऐसे 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 आप जाए, ऐसे ऐसे लेके आए नीचे, तो वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में ही वर्क डन आपका डिपेंड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वर्क डन पता होना चाहिए। तो वर्क डन का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, एफ डॉट एस ना पढ़ रखा है, फोर्स का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एस का, ठीक है, क्लियर है। और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक डायरेक्शन में हुआ तो वर्क पॉजिटिव होगा, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर किसमें हुए, अपोजिट डायरेक्शन में हुए, तो वर्क क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो यहां पर फोर्स क्या है? अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, हर जगह फोर्स यूनिफॉर्म लग रही है, यानी इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, अदरवाइज यहां पर क्या रहता है? इंटीग्रेशन भी रहता है, एफ डॉट डीएस हो जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, तो फोर्स क्या हो जाएगी? फोर्स हो जाएगी, बिकॉज दिस इज प्लस चार्ज जिसको ले जाया जा रहा है, तो दैट विल बी क्यू इनटू ई, ठीक। अब फोर्स के डायरेक्शन किधर होगी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो अब हमें, यानी ऐसा कुछ भी फालतू काम नहीं करना है कि पी से क्यू जाए, क्यू से आर जाए, आर से एस जाए अपने वर्क डन को निकालने के लिए। हमें क्या काम करना है? बस पी से एस जाना है, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट्स आप देखिए अब, क्योंकि P और S ही फोकस है, ये तो फालतू चीजें दी रखी है, Q और R S उनके बारे में सोचना ही नहीं। क्यों? क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है। जो मैंने फोर्स लिखी यहां पर ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लिखी है, कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है। P के पॉइंट दिए गए हैं A कॉमा B कॉमा 0, ठीक है, और Q के पॉइंट दिए गए, Q नहीं, S के, S तो ओरिजिन पे है, 0 0 0, ठीक है। अब बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो फोर्स है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पी कहाँ है? ए पे है, बी पे है। अब ये देखिए, ये कौन सा कोऑर्डिनेट है? बी वाई का कोऑर्डिनेट है। अब वाई कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? वाई कोऑर्डिनेट में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट आप बी से जीरो को जाते हैं, कहां से? बी से जीरो। पहले देखिए आप ऐसे
ऐसे जाएंगे और ऐसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में एंगल बताइए भाई 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री में वर्क डन तो पढ़ ही रखा होगा कि क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। क्लास 10 में भी पढ़ रखा होगा पोर्टर वाला प्रॉब्लम कि वो जब सामान अपने सर पे लेके चलता है तो वर्क डन कितना होता है, जीरो, ठीक है। तो 10th में ही पढ़ रखा है, 10th नहीं 9th में पढ़ रखा है, 9th में है, ठीक है। तो 90 डिग्री पे अगर दोनों वेक्टर हैं तो इनके बीच का वर्क डन जीरो हो जाएगा, यानी इसका भी लेना देना नहीं है बी से जीरो जाने पर। अब यहां देखिए, यानी अब यहां आ गए आप और यहां से आपको इधर की तरफ जाना है, इधर जाना है कि नहीं, आप यहां पर हैं, ए कोऑर्डिनेट तो यहां होता है ना, और यहां से यहां जाना है, ए से जीरो की तरफ जाना है। तो किस डायरेक्शन में जाना है आपको, इस डायरेक्शन में, और फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। दोनों एक डायरेक्शन में कि अपोजिट, अपोजिट अपोजिट होंगे तो वर्क डन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव। तो मैं वर्क का लिखने जा रहा हूं, पहले तो साइन लगा दूं माइनस का, फोर्स लिख दूं QE, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई A, आप A से चले और जीरो पहुंचे, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ A, तो वर्क डन कितना हो गया माइनस QE into A। अब बताइए ये IIT में क्वेश्चन आया है 1989, ठीक है। तो इतना डिफिकल्ट है क्या, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग बढ़ते रहेंगे और आप भी देखेंगे कि आपसे क्वेश्चन लगते रहेंगे, लेकिन आप भी अपने आप प्रॉब्लम्स को लगाइए, NCERT अच्छे से पढ़िए, NCERT के क्वेश्चन एक एक अच्छे से करिए, और उसके बाद SC वर्मा भी सॉल्व करना शुरू कर दिया। अगर पहले से कर रखा तो बहुत ही अच्छा, फिर तो और ही आसान लग रहा होगा, इतना काम करना है आपको। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, ठीक है। तो ये क्या है, मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन है, ये IIT 1981 से 86 के बीच में ये क्वेश्चंस आए थे, ठीक है, जिनको मैंने मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन बता दिया। इसमें जो भी करेक्ट है वो हमारे आंसर होंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो पहला देखिए, अब देखिए जो भी मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें हर एक ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज किया जाता है और उसको समझा जाता है, एंड इट्स लाइक ट्रू एंड फॉल्स, सही है तो वो आपका आंसर है, गलत है तो नहीं है। अगर पार्शियल मार्किंग है तो फिर आपको अगर थोड़ा भी डाउट है तो उसको मत टिक करिए, क्लियर है, तो आपको पार्शियल नंबर्स तो मिल ही जाएंगे जो एडवांस के अंदर, समझ रहे बात। तो चलिए देखते हैं, वर्क डन इन कैरिंग अ पॉइंट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द पाथ अलोंग विच द पॉइंट चार्ज इज कैरीड। अभी हम लोगों ने देखा कि प्रीवियस ईयर IIT क्वेश्चन आया था इस पे, जिसको अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में निकाला। तो बताइए क्या पाथ पे डिपेंड करता है वर्क डन, कंजर्वेटिव अगर फोर्स हो तो नहीं डिपेंड करता है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, देखिए इतना आसान, ठीक है। अब बी पार्ट में, टू आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ इक्वल मासेस आर टेकन, वन इज गिवेन अ पॉजिटिव क्यू चार्ज एंड अदर एन माइनस क्यू चार्ज, द मास आफ्टर चार्जिंग आर डिफरेंट। यानी कि दो आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर थे जिनके मासेस इक्वल थे, फिर उनको चार्ज कर दिया गया, एक के ऊपर पॉजिटिव क्यू चार्ज आ गया और एक के ऊपर माइनस क्यू चार्ज आ गया। अब बताइए आप क्या मासेस सेम रहेंगे या मासेस डिफरेंट हो जाएंगे, अब ये NCERT का प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर प्लस क्यू से माइनस क्यू हुआ है, मतलब पहले क्या थे, कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल थी बॉडीज, एक प्लस क्यू हुआ एक माइनस क्यू हुआ, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है एक स्फीयर से दूसरे स्फीयर में चले गए। अब इलेक्ट्रॉन ऐसा तो है नहीं कि मासलेस है, मानते हैं आप इलेक्ट्रॉन का मास पढ़ते हैं ना 9.1 × 10⁻³¹ kg, कभी तो पढ़ा होगा, केमिस्ट्री पढ़ा ही नहीं, ठीक है, तो कुछ तो मास गया ना, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन गया तो वो इतना मास तो लेके जा रहा है, तो उसका मास बढ़ गया और दूसरे का मास क्या हो गया, कम, तो मासेस आफ्टर चार्जिंग आर डिफरेंट, तो बी ऑप्शन होगा, ठीक। अब चलिए हम लोग सी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, अ स्मॉल मेटल बॉल इज सस्पेंडेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई विथ थ्रेड
If high energy X-ray beam falls on the ball will be deflected in the direction of the field. अब यहाँ देखिए कि अगर आपकी एक मेटल बॉल है और उसमें आप उसको आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और आपने हाई एनर्जी एक्सरे बीम उसके ऊपर डाली, तो बताइए क्या होगा? तो उस बॉल, क्योंकि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है इतने टाइटली बाउंड तो होते नहीं मेटल में, वैसे भी वीक होते हैं, मेटल इलेक्ट्रॉन देता है ना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो आ ही जाता है, रिएक्शन में आता है कि नहीं आता है? जैसे सोडियम से क्या बनता है, Na++ इलेक्ट्रॉन। तो अगर एक्सरे तो बहुत हाई एनर्जी बीम होती है, जब वो पड़ेगा उसके ऊपर तो वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो मेटल कैसे चार्ज का हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का। तो अब बताइए, तो अब पहले न्यूट्रल था, अब वो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में वो जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि जो फोर्स लगेगी उसमें वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगना शुरू हो जाएगी। तो पहले न्यूट्रल था तो कोई फोर्स नहीं लग रही थी, बॉट वो एक जगह पे रखा हुआ था, ठीक है, मतलब मोशन नहीं कर रहा था। लेकिन अब क्या हो गया, अब ऐसे टंगा हुआ था, लेकिन अब जब एक्सरे पड़ी उस पर तो पॉजिटिव चार्ज का हो गया, तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा किधर, जिधर फील्ड होगी, क्योंकि ई एफ जो लगेगा वो क्यू टाइम्स ई, तो ई के डायरेक्शन में ही लगेगा क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज का बॉल हो गया है, ठीक है, क्लियर है। तो सी भी करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं हम लोग डी ऑप्शन। टू प्रोटॉन्स ए एंड बी, यहाँ पे देखो दो प्रोटॉन ए एंड बी हैं और एक प्लस प्लेट है एक माइनस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह। बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज टू अ पोटेंशियल डिफरेंस वी, इनके बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना है वी, द फोर्स ऑन टू प्रोटॉन्स आर आइडेंटिकल। तो हमें बताना क्या दोनों के ऊपर फोर्स सेम होगी कि अलग। अब फिर से आप देखिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है, तो आपको अब पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, यूनिफॉर्म, यानी हर जगह एक ही ई है, ठीक है, हर जगह ई जो है वो बराबर है। अगर ई बराबर है और ये दोनों ही प्रोटॉन है तो दोनों का चार्ज भी सेम होगा, तो फोर्स सेम होगा कि नहीं होगा, तो फोर्स आइडेंटिकल होगा। इसका मतलब हमारा डी भी करेक्ट है, यानी हमारा आंसर आया बी सी डी, ठीक है। तो ये आईआईटी में प्रॉब्लम आया था, अब सोच लीजिए इसमें ऐसी कोई भी डिफिकल्टी है क्या जो कि एनसीईआरटी में नहीं बताया जाता हो, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो चलिए एक नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अ हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट सर्फेस इज 10 वोल्ट्स, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज ए 0, बी 10 वोल्ट सेम एज 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्फेस, डी सेम एज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सर्फेस। सिंगल करेक्ट चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब समझिए, तो क्वेश्चन दिया गया एक हॉलो मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर के बारे में बहुत बातें हुई हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में। तो ये हॉलो मेटल स्फीयर है, तो इस हॉलो मेटल स्फीयर में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि कभी भी हॉलो मेटल स्फीयर हो या कोई भी मेटालिक स्फीयर हो, शेल हो, उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, जीरो। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो। गॉस लॉ पढ़ा होगा आपने, तो उसमें आपने इसका प्रूफ भी देखा होगा, ठीक है, दिया गया एनसीईआरटी में, आप पढ़ सकते हैं। तो हॉलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज सो दैट द पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 10 वोल्ट्स, तो इसके ऊपर जो पोटेंशियल है दैट इज 10 वोल्ट का है, यानी कि पोटेंशियल सरफेस है, हर जगह जो पोटेंशियल है इसके ऊपर दैट इज 10 वोल्ट, क्लियर। द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर पूछ रहे हैं, यहां पर पूछ रहे हैं कि कितना पोटेंशियल होगा, ठीक है। अब ए जो है बोल रहे हैं कि जीरो होगा पोटेंशियल, देखिए जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ध्यान रखिएगा, कहीं पर भी अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। अब ये सिंगल करेक्ट चॉइस है, यहां पर आप अच्छे समझिए बात को। अब ई कल हम लोगों ने पढ़ा था, ई जो है वो होता है माइनस डी वी बाई डी एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स आई माइनस डेल वी बाई डेल वाई माइनस डेल वी बाई डेल जेड, यानी हर डायरेक्शन में, या तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन है,
जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है उसके बेसिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चाहे एक्स डायरेक्शन हो, चाहे वाई डायरेक्शन हो, चाहे जेड डायरेक्शन हो। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि ई अगर जीरो है, अगर अंदर हर जगह ई जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, डीवी क्या है, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है कि नहीं। तो बताइए आप मुझे कि अगर यहां से लेके यहां तक, ठीक है, जहां ये सरफेस पे बोल रहे हैं, यहां तक अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है जीरो है, यहां पर जो है ई अगर जीरो है तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। तो यानी कि जो भी पोटेंशियल यहां पर है वही पोटेंशियल यहां रखना होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अलग हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करने लगेगी अंदर, समझ में आ रही है आपको बात, लेकिन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, ये प्रूफ हो चुका है। ठीक है, तो क्लियर है बात, जीरो नहीं होगा बिकॉज जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पोटेंशियल नहीं होता है जीरो। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, 10 वोल्ट। फिर सी और डी के बारे में आप सोच लीजिए, बोल रहे 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, तो वी का फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, तो ये होगा आर, आप यहाँ 5 सेंटीमीटर रख लीजिएगा। ठीक है, तो वो होने वाला है, और डी भी वैसे पूछ रहे हैं 25 सेंटीमीटर अवे। ठीक है, तो पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज, इनका तो बात ही नहीं हो सकती है, तो अलग ही है, वहां पे पोटेंशियल कुछ और ही होने वाला है। क्लियर है बात, तो समझ में आ गया, जो सरफेस पे होगा, इस बात को ध्यान भी रखिए, बोर्ड में भी आ सकता है आपके, कि जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल अंदर भी होगा, ये सब क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। क्लियर है, तभी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अब हम लोग इस वीडियो लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं, आई होप कि आपको अभी तक आपने इंजॉय किया है और लास्ट प्रॉब्लम भी आप इंजॉय करेंगे। चलिए देखते हैं अभी प्रॉब्लम। टू चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर हेड फिक्स्ड एट -D,0 एंड D,0 रिस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं हम लोग। तो दो चार्जेस रखे गए हैं, प्लस क्यू चार्ज रखा गया है, यानी ये ओरिजिन है, ठीक है, ऐसे वाई एक्सेस है और ये है हमारा एक्स एक्सेस, ठीक है, और यहाँ -D,0 पे प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये रहा D,0 और ये रहा -D,0, ठीक है, इतना दिया गया है। देन E at all points on the x-axis has same direction. तो single correct choice question है। तो बोल रहा है जो E है वो हर जगह x-axis पे उसकी direction same है, ठीक है। फिर E at all points on y-axis is along positive x-axis. x-axis के भी along है, तो positive x-axis मतलब ये है। W has to be done in bringing. Work has to be done in bringing a test charge from infinity to the origin. The dipole moment is 2qd along the x-axis. तो ये dipole moment का problem है और board में आता ही रहता है। इसको axial में बोलते हैं, जब यहाँ electric field निकालते हैं तो क्या बोलते हैं, axial, और जब इस line में निकालते हैं तो बोलते हैं equatorial। ये सब पढ़ रखा होगा आपने, ठीक है, और उसी के basis पे देखिए IIT 1995 का question आया। तो सबसे पहले लोग बोल रहे हैं डाइपोल मोमेंट इज 2qd अलोंग द एक्स एक्सिस, पहले तो इसको ही निपटा देते हैं हम लोग, ये रॉन्ग है कि नहीं। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरह। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन तो ये है भाई, वैल्यू आपने सही बताई 2qd, लेकिन डायरेक्शन आपने गलत बताया, इसलिए आपका निपटारा होता है, यू आर आउट। ठीक, चलिए वर्क बहुत देर से पढ़ रहे हैं तो वर्क वाला कर लेते हैं, इन दोनों को थोड़ा विराम देते हैं हम लोग। वर्क हैज टू बी डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द ओरिजिन। ओके, तो इन्फिनिटी पे जो वोल्टेज होता है, आप जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, क्यू डेल्टा वी। कभी भी वर्क निकालना हो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस पहले निकालना होता है, फिर क्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं, यानी पॉजिटिव क्यू ही होगा, फ्रॉम इंफिनिटी टू द ओरिजिन। तो वोल्टेज एट इंफिनिटी कितना होता है,
दैट इज जीरो, ये तो माना ही गया है, जब भी आपने वोल्टेज पढ़ा होगा भी, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे उसको जीरो डिफाइन किया गया है। ठीक, अब हम लोग यहाँ आ रहे हैं ओरिजिन पे निकालने कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है। अब बताइए यहाँ पे पोटेंशियल है, यहाँ निकालेंगे तो के क्यू बाई डी प्लस चार्ज की वजह से कितना है के क्यू बाई डी, और इसकी वजह से कितना माइनस के की वजह से माइनस के क्यू बाई डी, बिकॉज पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो ऐड हो जाएगी, लेकिन चार्ज जो है निगेटिव इसलिए माइनस, तो के क्यू बाई डी माइनस के क्यू बाई डी ओके क्या हो गया जीरो, तो वी ओरिजिन भी जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो दोनों ही एक ही पोटेंशियल पे हैं, तो वर्क डन क्या होगा जीरो, तो यहाँ कोई वर्क नहीं करना है। ठीक है, तो सी का भी निपटारा हो गया। अब कह रहे हैं कि E at all points on y axis is along the positive x axis, ये तो आपने पढ़ रखा होगा कि जब भी पूछा जाता है इक्वेटोरियल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो तो क्या होती है, वो along the positive x axis आता है और डाइपोल के अपोजिट होता है। चलिए कर भी लेते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पर हम लोग निकाल रहे हैं, दिख रहा है आपको, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब यहाँ लिखेंगे तो दिस विल बी इस डायरेक्शन में होगा, और जब माइनस की तरफ करेंगे तो ऐसे हो, दोनों का डिस्टेंस इक्वल ही होगा, ठीक है, बिकॉज वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस कौन सी है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये डिस्टेंस और ये वाली जो डिस्टेंस है दोनों इक्वल होगी, तो इसका मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर बराबर होगा, प्लस क्यू से दूर की तरफ रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड और माइनस क्यू की तरफ रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो आपको पता ही होगा इन दोनों का जो x कंपोनेंट है वो ऐड हो जाएगा और जो y कंपोनेंट है बिकॉज एक पॉजिटिव की तरफ जाएगा एक नेगेटिव की तरफ वो कैंसिल हो जाएगा, तो किधर बची इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव x डायरेक्शन में, तो आंसर तो हमारा b आ गया है। चलिए एक क्यों गलत है अब ये भी जान लेते हैं हम लोग, चलिए इसको रब कर देते, बहुत गंदा हो गया यहाँ पर, ठीक है, अब x वाला भी समझ लेते हैं, बिकॉज यहाँ आंसर निकालना ही हमारा काम नहीं है, हमें हर एक बात को समझना कि आखिर उन्होंने क्यों दिया था इसको, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन बिल्कुल टफ नहीं है, ठीक है। E at all points on the x-axis has same direction, तो ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है, तीन तीन कई जगह हम लोग निकाल के देख लेते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में है कि नहीं, ये तो ओरिजिन है, ठीक। अब चलिए यहां देखते हैं, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यहां पर ऐसी इससे दूर जाती है, माइनस की तरफ से उसकी तरफ, लेकिन कौन बड़ा होगा, क्योंकि माइनस पास में है इसलिए उसका बड़ा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बड़ी हो गई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ तो ऐसे होने वाली, इस डायरेक्शन में होने वाली। चलिए यहां आ जाइए इस पॉइंट में प्लस क्यू के पास, तो प्लस क्यू के पास आप देखेंगे जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे अवे होगी और काफी बड़ी होगी, और माइनस क्यू का क्योंकि डिस्टेंस छोटा है इसलिए वो बड़ा है डिस्टेंस इसलिए कम होगी, तो यानी कुल मिला के इधर भी, तो अभी तक तो दोनों तरफ एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है, और उन्होंने कहा था कि सेम डायरेक्शन में होता है, लेकिन बीच में यानी कुछ होने वाला है, ठीक है। चलिए अब इधर बात करते हैं, तो इधर माइनस पास में है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी, ये बेचारे छोटे हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दूर है इसलिए इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कैसे होगी, इधर, तो किस, वो तो कह रहे कि हर पॉइंट पे सेम होगी, हमने एक ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया जहां पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, कैसी थी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आ गई और बाकी सब जगह नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में थी, इसलिए हमारा आंसर ए नहीं होगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, अच्छे लगेंगे ही क्योंकि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उसी के पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, और आपको मेरा मोटो है ये बताना कि डोंट पैनिक, अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, अभी ये क्या है अगस्त चल रहा है और पेपर तो अभी बहुत दूर है, ठीक है, और अगर आप साथ साथ क्वेश्चंस करते रहेंगे और
आप एनसीईआरटी लगाइए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, एनसीईआरटी लगाइए, ज़्यादा अपने आप को टेंशन में मत रखिए, ठीक है। और जब क्वेश्चन कर रहे हैं आप, अगर उससे पहले एससी वर्मा कर लें तो बहुत ही अच्छी बात होगी, आपको और आसानी समझ में आएगा। जब आपके दिमाग को लगे, सुनिए, अपने आप को टेंशन दे के नहीं, मुझे एरोडो करनी है, क्रोटोव करनी है, ये करना, वो करना, दुनिया भर का करना, और कर कुछ नहीं पाए, ठीक है, और उस चक्कर में अपने आप को जो है डिप्रेस कर लिया और सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तो वैसी सिचुएशन में मत जाएं, खुश रहें, इंजॉय करें। इन सबको करेंगे आपके दिमाग को खुद ऐसा लगेगा चलिए कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स करते हैं, ठीक है। उसको चाहिए, दिमाग को चाहिए, दिमाग अगर एक बार प्रॉब्लम्स खाने लगेगा ना तो उसको अच्छा अच्छा खाने की आदत लगेगी, तो खुद कहेगा चलिए करिए। और जिस दिन वो बोल दे कि चलिए चलते हैं, खोलते हैं इसको खुद से, अब तो मेरे को सब आता ही है, उस दिन आप समझना कि आपका सिलेक्शन पक्का है, ये गारंटी है मेरी। चलिए फिर मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, और भी टफ प्रॉब्लम्स लाएंगे। टफ नहीं, प्रॉब्लम्स टफ होती ही नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट्स हमें आते हैं कि नहीं आते, इस बारे में हमें ध्यान रखना है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।